रिटायर आईएएस और बीएसपी से प्रत्याशी उमराव सालोदिया ने जयपुर में प्रेस वार्ता के जरिए दोनों प्रमुख पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों प्रमुख पार्टियां जनता को जाति धर्म के नाम पर गुमराह करने का काम कर रही हैं। जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान तक नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, पार्टियां जाति और धर्म के बीच में फंसी हुई है। दोनों पार्टियां सत्ता में रहते हुए दलितों का शोषण करती रही, दलितों को मिलने वाला आरक्षण भी कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीएसपी के प्रत्याशी मजबूत दम के साथ उतरे हैं और जीत के बाद किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। और इसी के साथ उमराव सालोदिया ने अपने धर्म परिवर्तन को लेकर कहा कि धर्म परिवर्तन करना मेरा अपना मामला है, और साथ ही कहा कि इसे चुनाव में मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि मेरे दलित होने पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मैंने प्रशासन में रहते हुए धर्म परिवर्तन किया था, और जिससे दलित समाज को एक मजबूती मिली थी, जिससे अब मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जयपुर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन भरा, बहुजन समाज पार्टी सभी जाति, सभी धर्मों, सभी वर्गों, वंचितों, शोषितों की पार्टी है। इसका उद्देश्य सबका विकास के साथ में आपसी सौहार्द, सब समानता, महिलाओं के और मजदूरों के, किसानों के हित के लिए काम करना है, उनको मुख्य धारा में लाना है। आज जिस प्रकार से प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां अपने मूलभूत मुद्दों को छोड़कर ऐसे फालतू के बात करती हैं, चाहे वो परिवारवाद के बारे में हो, चाहे जुमलेबाजी हो, चाहे किसी डिग्री के बारे में बात हो, और जो मूलभूत मुद्दे हैं हमारे बेरोजगारी के, गरीबी के, विकास के,